कैसे मतलब ये दोस्ती हुई, कैसे आप दोनों एक दूसरे को मिले, कौन बताना चाहेगा, एक्सप्लेन कौन करना चाहेगा? आदर्श बता। हाँ एक्चुअली शुरू कैसे हुआ ना, इसे मैं बताता हूँ। मैं गया कॉलेज, ठीक है, बीटेक करने के लिए उत्तराखंड। मेरे को ऐसे जेई से उधर सिलेक्शन वगैरह हुआ तो मैं कॉलेज चला गया उत्तराखंड वहाँ पे, और ये मास कॉम करने के लिए वहाँ पे आया, वही कॉलेज, सेम कॉलेज, ठीक है। और मैं थोड़ा बच्चा जैसा दिखता था, ये भी थोड़ा छोटा दिखते थे जब 4 साल अभी पहले भी की बात। छोटे ही दिखते हो तुम लोग, हाँ सॉरी। वो थोड़ा सा, बट हाँ 4 साल पहले थोड़ा और छोटा दिखता था मैं। तो एक ना गर्ल्स पीजी थी हमारे यहाँ पे, वहीं पे कॉलेज अच्छा, के पास में, कॉलेज के पास में एक गर्ल्स कॉलेज के पीजी पास में था। गर्ल्स पीजी है। तो हम लोग ना सेम, मतलब उसी गर्ल्स को, वहाँ पे कोई रूम नहीं मिल रहा था, हॉस्टल अलॉट होने में थोड़ा टाइम था, 2-3 महीने का। तो हम लोग सेम पीजी में गए, और मतलब ऐसे अलग जानते नहीं थे किसी को, कोई हम, मैं मॉम को नहीं जानता था और ये मेरे को नहीं जानता था। तो हम लोग सेम पीजी में गए, एंड वहाँ पे क्या हुआ ना कि ऐसे बच्चे बच्चे शक्ल की देख के उन्होंने गर्ल्स पीजी में रख लिया हम दोनों को, क्योंकि तो और पीजी के और कोई पीजी खाली मतलब था। आपको इनविटेशन चाहिए था ना, टीम बना, ठीक है, वहां पे पूरी लड़कियां थी, सिर्फ ये और मैं लड़के थे, मतलब बाकी सब लगभग लोग हमें देखते थे, भाई क्या एक्सपीरियंस ले रहे होंगे दोनों, और हम दोनों लगभग ऐसे एकदम 30 लड़कियां, मतलब मतलब कि उनको ये डाउट था कि बच्चे जैसे दिखते हो या लड़कियां जैसे दिखते हो, क्या डाउट मुझे इसमें आ रहा है? नहीं, डाउट ये था बच्चे क्या छेड़ेंगे लड़कियां, हाँ मतलब क्या इसके छेड़ेंगे? साथ में, ओह इसके साथ अच्छा, में कि ओके। इनको बट लड़कियां वो, छेड़ के चल जाएंगे, ये नहीं छेड़ पाएंगे लड़कों को, ऐसी शक्ल थी। हाँ ऐसी बट शक्ल थी उनको बस। पता नहीं था कि ये बच्चे इतने खतरनाक निकलेंगे कि पूरे मतलब वर्ल्ड वाइड लड़कियां छेड़ेंगे। तो हम लोग सेम पीजी में गए और आसपास का रूम मिला, लगभग 30 लड़कियां थी वहां पे और हम 2 लड़के बस, ठीक है। तो हम लोग ऐसे रहते, बट मैं इतना शर्माता था लड़कियों से कि कभी आज तक बात भी नहीं करी किसी एक लड़की से, भी नाम तक नहीं पूछा मैंने, मैंने और इसने किसी अरे ने नहीं। और अपना अपने क्या था, में मत गिनिए, अपने में अपने मत गिनिए हमें, अपने में मत गिनिए। अरे ये तो यार, इसका तो अलग सीन है यार, ये पता नहीं कब बात करता था, मेरे को नहीं बताता, इस अच्छा, बताता था ये मॉम तो ये मतलब बगल। छुप छुपा हाँ रुस्तम निकला। हाँ अभी भी ऐसी करता है, अभी भी ऐसी करता है, मेरे दोस्त के साथ ये घूमने चला जाता है, मेरे को पता ही नहीं है। तो लाइक मैं YouTube 7 साल से कर रहा हूँ, क्लास 10th से, मतलब हाँ छह सात छह अरे साल तो हो गए होंगे, 6 साल, ये कुछ नया ठीक पता है। चला मुझे, मतलब मेरे को लगा हाँ अभी रिसेंटली स्टार्ट किया तुमने। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मैं YouTube कर रहा था और कॉलेज में आ गया, ठीक है, और इससे मिला। और ये भी ना ऐसे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा था इसने उस वक्त, और अच्छा मेरे मेरा और इसका कमरा पास पास में था। तो ये ना मेरे हाँ को ऐसे आकर के फ्लैक्स करता था मेरे सामने डेली कि भाई ये देख मैंने आज ये व्लॉग बनाया है और मेरे आज 400 सब्सक्राइबर हो गए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो कुछ दिन हो गई, और उसके बाद मैंने ना मैंने भी इसको बताया कि भाई मैं भी YouTube करता हूँ ऐसे ऐसे। तो इसने बोला है, इसने बोला है, मैंने कहा हाँ भाई दिखाओ, बोल बोलता चैनल दिखाओ, और मैंने दिखाया चैनल, और मेरे चैनल पे थे लाइक 35,000 सब्सक्राइबर। हाँ 35K 1000, ठीक मैंने है, 35,000, 35,000 35,000, ओके ओके। इतने सब्सक्राइबर।